नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइट लगातार। आज हमारे साथ पूर्व कप्तान हॉकी टीम की मौजूद है और हमारे भारत देश के लिए एक गर्व की बात है कि हमारी महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा कर वह सेमीफाइनल में पहुंची है। तो हम लोग सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं क्योंकि आपने भी पहले ओलंपिक्स खेला है और कप्तान भी रही हैं, तो जो प्रदर्शन महिला टीम का रहा उसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, नमस्कार। ये जो मैं ओलंपिक का जो मैच देख रही हूँ महिला हॉकी टीम का, जो परफॉर्मेंस हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा संतोषजनक नहीं रहा था, लेकिन वो जिस वजह से मैच हमारा थोड़ा कुछ मैच हम हार गए थे, वो रीजन था हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों के वजह से। वो छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए हमारी टीम आगे की ओर खेलती आई और 3 मैच हमारी टीम ने जीत हासिल की और आज हमने सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई किया है और ये बहुत ही बड़ा हमारे देश के लिए इतिहास बन गया। महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारी टीम की जीत के लिए। हमारे झारखंड से भी 2 प्लेयर इस वक्त महिला हॉकी टीम में मौजूद है, तो उनके प्रदर्शन को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है और उनके लिए खास करके आपका क्या कुछ और कुछ सुझाव जो आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारे झारखंड से 2 खिलाड़ी हैं, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और हम लोग देख रहे हैं उनका मैच, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और सलीमा का ये पहला बड़ा टूर्नामेंट है और अगर हम उस वे पे अगर हम देखते हैं, जिस हिसाब से उसका अनुभव अगर हम देखते हैं, तो सलीमा आज का मैच बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट मैच खेला उसने। मुझे बहुत खुशी हुई उसका मैच देखकर और निकी ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है टीम के लिए और आज ये जीत हासिल की है। और जिस तरीके से भी जो सेमीफाइनल मैच वो जिस टीम के साथ अर्जेंटीना के साथ खेलने वाली है हमारी क्रिकेट हमारी जो हॉकी महिला टीम है, तो उसको लेकर के क्या कुछ उनकी तैयारी और रहनी चाहिए क्या, क्योंकि सेमीफाइनल और टफ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आपका क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ रहेगा उनके लिए? देखिए, आज का मैच बहुत ही अच्छा था और अगर सेमीफाइनल में अगर हम मैच अर्जेंटीना के अगेंस्ट हम खेलते हैं तो हमें आज का मैच से थोड़ा एक स्टेप आगे और थोड़ा अच्छा खेलना होगा, जिससे हम अर्जेंटीना को हम हराने में हमें मुश्किल नहीं होगी और हम मेरा मानना है कि टीम हमारी जीतेगी जरूर। तो और कुछ क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक कप्तान रही हैं हॉकी टीम की, तो जो प्रदर्शन अभी चल रहा है उसको आप किस रूप में लेती हैं और आगे की जो रणनीति कहीं ना कहीं तय करनी है महिला हॉकी टीम को, तो उस क्या कुछ आपकी महिला अभी वहां पर कुछ बातें हो रही हैं क्या झारखंड की जो दोनों महिलाएं हैं उनसे क्या अभी आपकी बातचीत हो रही है? मेरी अभी दोनों से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन मैं एज ए प्लेयर मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि अभी जैसे हमने सेमीफाइनल हम क्वालिफाई किए हैं तो उस आधार पे हम पूरी टीम मतलब हमारी पूरी टीम प्लान कर रही होगी और करेंगी और करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बिना प्लान का हम अच्छा नहीं खेल सकते हैं। जिस तरह आज का मैच में उन्होंने प्लानिंग किया था, जिस पेस में उन्होंने खेला वही उसी पेस में खेलेंगे, या वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब अगर हमने गोल किया तो गोल के बाद हमें कैसे टीम को होल्ड करना चाहिए, टीम कैसे खेलना चाहिए, या किस प्लेयर को अंदर रखना चाहिए, किस प्लेयर को बाहर, या पेनल्टी कॉर्नर होता है तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए। और जो मैचेस देखे होंगे अर्जेंटीना का उनके देखेंगे और उस पे निर्णय लेंगे कि हमें इसके अगेंस्ट कौन सी सिस्टम हम खेलेंगे। ये तैयारी पहले से की होती है, 1-2 सिस्टम होता है उसको, या हम उसमें कौन सी टीम में ये सिस्टम को अप्लाई करेंगे इस तरह का होती है, तो वो मेरे हिसाब से वो प्लान टीम करेंगी मीटिंग के द्वारा। तो आपने सुना कि जो भी तैयारियां हैं उसको हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से आगे और अच्छा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप लोगों ने सुना कि क्या कुछ इनका कहना है जिस तरीके से
जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, इतना कुछ सभी कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है, सारी जो भी एक कहीं ना कहीं महिलाओं ने इतिहास यहाँ पर रचा है हॉकी टीम ने, तो इसको और आप किस रूप में लेती हैं, क्योंकि ये बहुत वक्त के बाद यह सीन हम लोगों को देखने को मिला है। बिल्कुल, ये महिला हॉकी टीम ने जो इतिहास रचा है, ये जो नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक है, और जो खेल रहे हैं उनके लिए तो है ही है। तो ये मैं मानूंगी कि हिंदुस्तान में महिला, जैसे हमने देखा कि मेडल लेके आ रहे हैं, हमारे मीरा बाई चानू ने भी मेडल लिया, सिंधु पीवी सिंधु ने भी मेडल लिया, तो एक तरह से एक इतिहास, बहुत ही बड़ा इतिहास देखने को मिल रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं एक छोटी सी गांव से आती हूँ और यहाँ तक पहुँचना बहुत कितनी मुश्किल बात है एक लड़की के लिए, जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है, तो इस तरह का माहौल को फेस करते हुए अगर लड़कियाँ वहाँ तक पहुँचती और इतिहास रचती है, तो ये बहुत ही बड़ा उपलब्ध है हिंदुस्तान के लिए। तो हमारे साथ ही अश्विंता लकड़ा जी, जो कि इस जो इतिहास महिला टीम के द्वारा रचा गया, जो भी कल का जो भी इतना बढ़िया मैच हम लोगों ने देखा, हॉकी हो चाहे पीवी सिंधु का मैच हो, तो ये बहुत हमारे लिए, भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग शुभकामना देते हैं कि जल्द हमारी जो इंडियन फीमेल हमारी हॉकी टीम है वो ये हमारी सेमीफाइनल्स में भी आगे बढ़े और एक फाइनल में भी जा करके वो ज़रूर जीते, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ आप देखते रहिए लाइव लगातार, मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।